नमस्कार, मैं आपका आलोक रंजन। हमारे साथ हैं शरद त्रिपाठी, जो करंट अफेयर्स और आईआर अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर हमारे साथ जुड़े हैं, और इनका बहुत ही प्रतिभाशाली करियर रहा है पिछले 15 से 17 वर्षों का, और बड़ी बड़ी संस्थाओं में इन्होंने अपना ज्ञान दिया है बच्चों को, और बहुत सारे बच्चे इनके माध्यम से ISBCS में क्वालिफाई भी किए हुए हैं। तो शरद जी, आपका बहुत स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी संस्था में जी। और आप बच्चों को बताएं कि IR को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, और करंट अफेयर्स में न्यूज़पेपर का की क्या भूमिका है, न्यूज़पेपर्स लोग कैसे पढ़ें जी। देखिए, दोनों प्रश्न बहुत विशाल प्रश्न हैं अपने आप में, लेकिन हाँ, हम लोग संक्षेप में अगर इसको समझना चाहें तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध ये संबंध पर ही आधारित है। संबंध जो आप इसको जटिल बच्चे ना समझें, जैसे संबंध में कम से कम दो व्यक्ति चाहिए होते हैं, उनके बीच कुछ अंतर क्रिया चाहिए होती है, उनके बीच कुछ लेन देन, गिव एंड टेक, कुछ उनके बीच इंटरेस्ट डेवलप होने होते हैं, और फिर उनके बीच समस्याएं भी पैदा होती हैं। जब आप यही परिपाटी, यही मापदंड जब आप राष्ट्र राज्यों के बीच, अब राष्ट्र राज्य से घबराना नहीं है बच्चों, जिसे आप देश कहते हो उसी को हम अपनी भाषा में राष्ट्र राज्य कहते हैं, नेशन स्टेट जी। तो देशों के बीच जो इसी तरह के संबंध हैं, उन संबंधों को संचालित करने के लिए एक नीति की जरूरत होती है, उसको विदेश नीति कहते हैं। इन्हीं सबको इसमें पढ़ना होता है। तो इसमें क्या व्यापारिक संबंध, सामरिक संबंध जी जी, राजनीतिक संबंध, बिल्कुल इसमें आप संबंधों में आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, रणनीतिक सब बिंदु आते हैं। और जो ज्यादा प्रभावी चीजें चल रही हैं, जो उस वक्त बहुत महत्वपूर्ण मसले हैं किसी देश के साथ, उन पर प्रश्न ज्यादा आते हैं, तो हम उसको समसामयिक या करेंट अफेयर्स में ज्यादा महत्व देते हैं। तो विश्व में जो सारी महत्वपूर्ण घटनाएं घट रही हैं, वो वैश्विक स्तर पर भू राजनीतिक क्रियाओं को और घटनाओं को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें आप ये बताएं कि IR में मुख्य रूप से भारत और नेबरिंग स्टेट, या फिर भारत और डेवलप्ड कंट्रीज, विकसित राष्ट्र, या भारत और जो डेवलपिंग कंट्रीज है, इस तरह से तीन अलग अलग सिलेबस का पार्ट होता है, या फिर कैसे सिलेबस को कैसे डिफाइन करते हैं जी। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया आलोक जी। देखिए, पाठ्यक्रम में तो अगर अंतर्राष्ट्रीय संबंध है तो दुनिया में करीब 200 देश हैं, तो अब ऑब्वियस सी बात है कि भारत के सब 200 देशों से संबंध हमको नहीं पढ़ने होते। तो आपने बिल्कुल सही कहा, हम चूंकि एक नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी चलाते हैं, तो जैसे आप जियोपॉलिटिक्स का बार बार भू राजनीति का उल्लेख कर रहे हैं, किसी भी देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण है अपना पड़ोस, और हम वैसे भी एक ऐसे ज्योग्राफी में हैं कि एक बहुत कटा छटा सा हमारा नेबरहुड है, तो उस वजह से पड़ोस और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण पड़ोसी देश हैं, उसके बाद दुनिया में जो बड़े देश हैं, अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान, इनके साथ संबंध महत्वपूर्ण होते हैं। फिर कुछ क्षेत्र हैं जैसे अफ्रीका, खाड़ी क्षेत्र, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, इन सबको हम संबंधों में लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में सीमा विवाद या सैन्य शक्तियों का जो एक चलता है रस्साकसी, ये सब भी उसमें सब बिल्कुल बहुत इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजेदार है, और जो चीन के साथ अभी घमासान चल रहा है, इन सब की बारीकियों को हम लोग करंट अफेयर से सबसे ज्यादा लिंक्ड भी है कि दिन प्रतिदिन की घटनाओं से जुड़ा हुआ जी, रहता जी, है। पूरा विषय ही गत्यात्मक है, आप एक साल जो पढ़ते हैं अगले साल उसका बहुत सारा पानी नदी में बह जाता है, बिल्कुल नई चीजें आपके सामने लगभग होती हैं। तो ये न्यूज़पेपर की क्या भूमिका होगी आपके करंट अफेयर्स में? और अब देखिए, न्यूज़पेपर अब अपने में करंट अफेयर्स तो सब विषयों का समसामयिक संदर्भ होता है, तो सारे शिक्षक अपने विषय का करंट तो कराते ही हैं, लेकिन उसके बाद भी जब वो विषय आएगा तब वो उसका करंट करा पाएंगे। रोज इकोनॉमी में, एनवायरनमेंट में, पॉलिटी में, टेक्नोलॉजी में जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं, जिन पर जी और जिन पर समाचार पत्रों में लिखा जा रहा है, उनको हम लोग करंट अफेयर्स में विश्लेषित हम लोग देख रहे हैं कि पीटी में इवन जो हिस्ट्री का प्रश्न है, हिस्ट्री को लोग बड़ा ट्रेडिशनल मानते रहे हैं, लेकिन हिस्ट्री में भी जो करंट में कोई चीजें आ जाती है अखबार में, उससे पीटी का प्रश्न बनकर के आ जाए। अब इस बार का ही आप प्रश्न पत्र देखिए तो जो रखम बाई का प्रश्न है, जो इतिहास में जिसको किसी ने मतलब सोचा भी नहीं होगा, उसी का संदर्भ ले रहा था जी। अच्छा, तो आपकी बात को मैं चुरा लेता हूँ, और आप उसमें देखिए कि अभी देश में एक साल से एक विषय पर बड़ी चर्चा चल रही है कि विवाह की उम्र समान होनी चाहिए महिलाओं और पुरुष के बीच,
अभी 18 लड़कियों की है, 21 पुरुषों की है, तो उसको समान करने की बात है। और ये मुद्दे से उन्होंने रखम भाई को पूछा है, क्योंकि रखम भाई फर्स्ट प्रैक्टिसिंग डॉक्टर तो थी ही इंडिया में, उन्होंने सबसे पहले एज ऑफ कंसेंट का मुद्दा उठाया था जो 1891 में जाके कानून बना। जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, और हमारे जो पुराने बच्चे हैं वो भी बहुत दुखी रह रहे हैं और बहुत दुखद भाव से कई बार SMS करते हैं मुझे जी। कि सर हम लोग का क्या भविष्य है, कोई भविष्य नहीं है, कोई भी नई टीम बनती है तो उससे क्या फायदा है, बल्कि यही टीम बनकर के भविष्य खराब हो गया हिंदी माध्यम का। तो ये ब्लेम कहीं ना कहीं शिक्षक और संस्थाओं पर भी, हिंदी माध्यम के छात्र प्रेम से ही सही लेकिन कहीं ना कहीं डालते रहते हैं जी। तो शिक्षकों की क्या भूमिका है और हिंदी माध्यम के छात्रों की क्या भूमिका है? क्योंकि देखिए, मैंने तो इंग्लिश में भी 70% बच्चे तो हमारे इंग्लिश मीडियम में सब दिन रहे और हिंदी माध्यम में भी 30% रहे, दोनों का बराबर रिजल्ट आया। लेकिन हिंदी का भी बहुत अच्छा रिजल्ट आते रहा, IAS भी लोग बने, IPS भी लोग बने, रैंक 1-2 सब लाए PCS एग्जाम में भी। लेकिन अभी विगत कुछ वर्षों से ये बहुत ही भयावह स्थिति पे आ गया है। तो वैसे तो हमने कोर्स का प्रोग्राम का कीमत ही ऐसा कुछ 10-12 हज़ार रुपया रखा है कि किसी को खाले नहीं, इतना तो लोग रेंट में दे देते हैं। तो अगर उसको, लेकिन खैर वो तो एक अलग पक्ष है कि मैंने कम रखा है, और ये कोर्स का निर्माण ही किया गया है कि जो बच्चा पुराने हैं, सीनियर हैं, वो सब इसको उपलब्ध करें। लेकिन हम लोगों की एक जिम्मेदारी और भी बनती है कि हम लोग ऐसा क्या विशिष्ट करें जो आज तक आपने नहीं किया, और इन बच्चों की आकांक्षाएं, जो महत्वाकांक्षाएं हैं, उसको पूरा करने के लिए आप किस स्तर तक और मेहनत करने वाले हैं, और क्या किस तरह से लेवल को बढ़ाया जाए कि बच्चों को UPSC में हम लोग कुछ और बेहतर कर सके। तो उसके लिए कोई योजना आपके अंदर में जरूर? नहीं, योजनाएं बिल्कुल, आपकी ऊर्जा देखकर योजनाएं दिन प्रतिदिन आकार ले रही हैं। और हम तो देखिए, वैसे भी मैं किसी पे और पे टिप्पणी नहीं करूंगा, एक 2013 के बाद जो एग्जाम का कलेवर बदला, पाठ्यक्रम ही नहीं बदला, एग्जाम का कलेवर भी बदला, और आपने जो टीम बनाई है उस टीम में वो सब लोग हैं जिन्होंने उस बदलते कलेवर के साथ अपने को ढाला है। मैं बाकियों पे टिप्पणी नहीं कर सकते, अच्छा नहीं लगता, लेकिन समय के साथ बदले नहीं वो लोग कहीं ना कहीं इस पूरी व्यवस्था में वो भी दोषी बन गए। बट हमें ये देखना होगा कि जिस तरह एग्जाम अब बहुत नए नए नॉर्म्स को अपना रहा है, तो हम सब शिक्षक, अब शिक्षक नहीं मैं प्रशिक्षक बोलूंगा अपने को, द डिफरेंस बिटवीन टीचर एंड अ कोच। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये स्टूडेंट्स जो IAS वाले हैं ये बच्चे नहीं है, दे आर नॉट स्टूडेंट्स, दे आर पब्लिक सर्वेंट्स। एग्जैक्टली, ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। बिल्कुल। लेकिन हमारे यहाँ जो छात्र हिंदी के आते हैं वो बच्चे की तरह बिहेव करते हैं, ये थोड़ा हिंदी माध्यम में ये जो बहुत मतलब एक नवजात जैसे शिशु जैसा, उनका खैर भावनात्मक लगाव होता है हम लोगों से, पर थोड़ा मैच्योर और एक आपको अप्रोच हम लोगों के साथ ऐसा डेवलप करना होगा। हम लोग सहायता भी करेंगे कि आप एग्जाम की जरूरत के हिसाब से आप अपने को भी बदलें, हम भी अपने को बदलें। तो क्या बदलाव लाना चाहिए हिंदी माध्यम के छात्रों को, और एज ए शिक्षक आप क्या बदलाव लाना चाहेंगे? देखिए, मुझे तो जो लगता है कि अब ऐसा एग्जाम का एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट इसमें आ गया है कि आपको सारे स्तरों पर, आप जो पढ़ते हैं खाली उसको सुधारना नहीं है, आप जो पढ़ रहे हैं उसको आज की जरूरत के हिसाब से उसको एक तरह से रीइन्वेंट करना, फिर राइटिंग प्रैक्टिस का जो पूरा मसला है जिस पर आपकी बड़ी व्यापक एक योजना है आप अभी बता रहे थे, तो हम इस पूरे पठन पाठन लेखन चिंतन इन सब चीजों को एक साथ लेकर, कंटेंट की कोई कमी नहीं है, कंटेंट तो आप उसी को में सब कुछ उपलब्ध है। बिल्कुल बिल्कुल, उसी को रिफाइन करके एकदम परीक्षा उपयोगी और करेंट ओरिएंटेड हम लोग चीजों को, जो कम समय में बच्चा उसको ग्रैस्प कर सके और फिर उस पर परिणाम ला सके। हमारा यही प्रोग्राम इंग्लिश माध्यम में भी आएगा, और वहां भी करंट अफेयर के हमारे टीचर जो आपके प्रशिक्षक होंगे वो सर ही रहेंगे, और इंग्लिश माध्यम है तो मेरा फेवरेट एरिया है, हम तो उसमें रहेंगे ही एज ए टीम लीडर। तो इंग्लिश और हिंदी माध्यम दोनों के लिए कार्य योजना है, हिंदी के लिए कुछ अलग से नहीं होने वाला है। लेकिन आप देखो जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं कि हम लोग एक ही कार्य योजना के साथ, एक ही टीम के साथ अगर दो काम करते हैं तो इंग्लिश वाला रिजल्ट देने लगता है और हिंदी वाला रिजल्ट नहीं देता है। सर अब हिंदी का भी देगा, मुझे पूरा भरोसा है। भरोसा है, लेकिन हिंदी माध्यम के छात्रों को भी बहुत कुछ सोचना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग ये मत सोचिए सारा हमको गाली दे लीजिए, कोई बात नहीं है, हम लोग सुनते रहते हैं, लेकिन जब तक आप अपने को नहीं बदलेंगे तब तक ये व्यवस्था नहीं बदलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बदलाव चाहते हैं आप हिंदी माध्यम छात्रों में, क्योंकि आपने
तो बहुत बड़े बड़े बैचेस पढ़ाए, अभी भी आप भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, और मैं समय के साथ हिंदी माध्यम में, हम लोग चूंकि दोनों माध्यमों में काम करते हैं, हमारे बीच ये समानता भी आलोक जी, और अंग्रेजी में क्या होता है कि वो लोग स्मार्ट लर्नर्स होते हैं, मतलब दे नो व्हाट टू स्टडी व्हाट नॉट टू स्टडी व्हाट टू ग्रैस्प व्हाट टू लीव। हम लोग एकदम जैसे अंधभक्त हो जाता है ना कि किताब पकड़ी और किताब का पहले से लेकर आखिरी पन्ने तक सब याद करने की कोशिश करते हैं। अब ये याद करने वाला एग्जाम नहीं है, आप इसको जब तक एक अलग लेवल पर उसको आप पूरा अपने अंदर पिरोएंगे नहीं, जैसे कहते हैं पढ़ने के साथ गढ़ना। और हर प्रश्न और हर सिलेबस का पूरा भाग मल्टीडिसिप्लिनरी हो गया है। अगर कोई व्यक्ति ज्योग्राफी में अच्छा है और साइंस में अच्छा नहीं है तो प्रश्न सॉल्व नहीं कर पाता। बिल्कुल सही। अगर कोई व्यक्ति इन्वायरमेंट में अच्छा है और ज्योग्राफी में अच्छा नहीं है तो उससे भी प्रश्न सॉल्व नहीं हो रहा है। आप सोचिए, मैं अगर कोई व्यक्ति एग्रीकल्चर में खराब है और ज्योग्राफी में अच्छा है तो भी सॉल्व नहीं कर पा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अब सोचिए, लोगों को समझना होगा। जी जी, भारत, मैं एक उदाहरण देता हूँ इसका, आपने इतनी अच्छी बात उठाई कि जैसे भारत चीन के बीच नदी जल विवाद है, ब्रह्मपुत्र के पानी को लेकर मुद्दा रहता है। अब उसमें हमने जब चीन से बात करी तो चीन ने कहा कि हम रन ऑफ द रिवर डैम बना रहे हैं। विषय आईआर से आया, बट उसको पूछा टेक्नोलॉजी में तो आप क्या सारे बांध किस तरह के होते हैं आप पढ़ सकते हैं? कॉमन सेंस की बात है, आप रिलेट कर सके। जब तक आपने नॉलेज को कॉमन सेंस या अपना वो जो एक होता है रिफ्लेक्ट करता है इंसान अपने नॉलेज बेस पे या जो इंट्यूशन होता है इंसान का, उन चीजों से जब तक जोड़ेंगे नहीं उस ज्ञान को, क्योंकि हम लोग के पास जितना ज्ञान है हम तो आपको नॉलेज दे सकते हैं, लेकिन आपका जो इंट्यूटिव जीनियस होता है, आपके जो रिफ्लेक्सेस होते हैं, आपका जो प्रतिउत्पन्न मतित्व होता है, वो हम आप में कहां से डालेंगे? वो तो आपको आता है आपके समाज से, आपके सोसाइटी से, आपके पेरेंटेज से, आपके स्कूलिंग से। तो शिक्षकों को ब्लेम करने से ज्यादा अच्छा है कि अपने अंदर में उन चीजों को विकसित करने की कोशिश करिए। और दूसरा ये एक मेरा संदेश रहेगा कि हिंदी माध्यम के छात्र आंदोलनकारी, रिएक्शनरी, प्रतिक्रियावादी न बन करके, उससे तो आप ही का खून जलने वाला है, न बन करके आपको चाहिए कि आप एक शांत और एक मधुर व्यक्ति बने और सीखने की कोशिश करें और लर्न करने की कोशिश करें। हम लोग तो अपना यही परंपरा भी रही है, यही परंपरा भी रही है, वी विल गिव आवर सोल आउट फॉर यू। हम लोग अपना पूरा सब कुछ देंगे इसमें आपको और पूरी एनर्जी से हम लोग जुटेंगे। लेकिन शरद जी, एक दो और प्रश्न लेते हैं आपसे कि जैसे करंट अफेयर के नाम पे आजकल परंपरा है कि बड़ी बड़ी संस्थाएं जो बड़ा नाम कर चुकी हैं एडवर्टीजमेंट के माध्यम से, वो लोग इतने मोटे मोटे ग्रंथ और ग्रंथावली 365 पता नहीं क्या क्या और क्या क्या सारा टाइटल्स भी उनका अजीब सा रहता है कि भारत में गरीबी, भारत में ग्रामीण विकास में सिंचाई की भूमिका, तो इस तरह के प्रश्न तो अब आते ही नहीं है। लेकिन हिंदी माध्यम में सारा ऐसा ही मटेरियल मिलता है। मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात बताता हूँ, और बच्चे उस बोझ से दबे हुए हैं। और मैं बड़ी ऑनेस्टली साझा कर रहा हूँ आप लोगों से, क्योंकि ये पूरे जज्बात के स्तर पर हम लोग बात कर रहे हैं। हिंदी माध्यम में एक बड़ी संस्था के प्रबंधक थे, उन्होंने एक बार ऐसी हंसी में बोला कि आप ना हिंदी माध्यम के बच्चों को खाली पेज दे दीजिए और कहिए घर जाते जाते इस पे नोट्स उकर जाएगा तो भी लाइन लगा के लेंगे। अभी सोचिए कितनी बड़ी टिप्पणी है, क्या हम स्मार्टली पढ़ रहे हैं? खाली आप लाइन लगाकर बस हमको कुछ दे दो रोज पोथा और हम उसको घर में रखते रहे और एक पूरा उसका महाभारत जैसी पांडुलिपि तैयार कर लें, इसका कोई मतलब नहीं है। हमें सही पढ़ना है, कम पढ़ना है, सही तरीके से पढ़ना है। जो हम यहाँ समझ लिया कि हिंदू न्यूज़पेपर है, हिंदी माध्यम के विद्यार्थी उसको पढ़ते ही नहीं है, अब सोचते हैं कि इसका कहीं से ट्रांसलेटेड रूप, उनको बता दिया था दैनिक जागरण से काम चल जाएगा, उनको पता है नहीं चलेगा, हम आपको आगाह करें। इस बार का भी प्रश्न आप देख लो, तो जब तक आप हिंदू न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हो, मिंट नहीं पढ़ रहे हो हिंदुस्तान टाइम्स का, या इंडियन एक्सप्रेस नहीं पढ़ रहे हो, या मैगजीन्स हैं जैसे डाउन टू अर्थ मैगजीन है या फ्रंट लाइन है या योजना है या कुरुक्षेत्र है, इस तरह से मैगजीन का गोथ्रू अगर नहीं होता है तो आप कैसे कर पाओगे? अब ये सारे मैगजीन्स और अखबार से शरद सर पूरा आपको करवाएंगे जरूर, ये सत्य है कि करवाएंगे, लेकिन हम लोग भी इंसान है और मान लिया हम लोग का तो 2-3 घंटे का प्रोग्राम है तो 2-3-4 घंटे में हम लोग अपना 60% ही दे पाते हैं। हमारा ज्ञान अगर 100 भी है मान लें तो हमारे से निकलता कितना है? 60-70 ही निकलता है ना। तो हम लोग 2/3 ही आपके सिलेबस का कभी भी कवर कर पाएंगे, ये एक ईमानदार वक्तव्य तो यही है। बाकी आपको अपने से बहुत मेहनत करने की आवश्यकता होती है और खुद लगन से पढ़ने की आवश्यकता होती है,
और कम से कम 2-3 साल की प्रक्रिया है यूपीएससी। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि हम पहले आकर के और एक ही बार में हम फर्स्ट रैंक ले आए, तो संभव नहीं। बिल्कुल, जो विगत वर्षों का रिजल्ट है उसमें जो अभी रैंक 1 आया है उसका 6-7 साल तक करोलबाग में एक कमरा लेकर के बैठा हुआ था। तो आप लोग 5-6 साल तो नहीं, चलो 2-3 साल का एक पीरियड तो होगा ही होगा जब सिर्फ और सिर्फ पढ़ना होता है उसमें। मैगजीन्स कौन सा आप रिकमेंड करेंगे बच्चों को पढ़ने के लिए? देखिए, मैगजीन्स हिंदी में तो जो मासिक पत्रिकाएं आती हैं मैं कहूंगा उससे बचिए। बिल्कुल सही बात है। कोई भी, देखिए वो मैगजीन कौन बनाता है हम उस प्रक्रिया को भी जानते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आप जैसे ही जो बच्चे यहाँ रह के तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा आर्थिक उनको कुछ सहायता चाहिए, उन लोगों के माध्यम से वो कुछ 4 सोर्सेज इकट्ठे करे गए और उन्होंने लिख दिया गलत सलत, वो सब पढ़ के काम नहीं चलेगा। जैसे सर ने बताया कि आप अगर हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, योजना, इन सबको अगर सही से कवर कर रहे हैं तो दैट विल सफाइस द नीड्स ऑफ करंट अफेयर्स। फ्रंट लाइन वगैरह वो थोड़ा आगे की बात सर हो जाएगी, क्योंकि शुरू में शायद नहीं होगा, लेकिन जब 5-6 महीना आप रम जाएं तो उसके बाद फ्रंट लाइन, डाउन टू अर्थ, ऐसी साइंस रिपोर्टर, इस तरह से जो मैगजीन्स आते हैं ये हिंदी में भी उपलब्ध है, विज्ञान प्रगति वगैरह हिंदी में स्तरीय सामग्री मिल। लेकिन लेकिन हिंदी में जो आता है ना वो ट्रांसलेटेड फॉर्म नहीं आता है, वो दोनों अलग है। और मैंने देखा है कि ज्योग्राफी एंड यू मैगजीन का जो इंग्लिश फॉर्म है, जो हिंदी फॉर्म है, वो दोनों बिल्कुल अलग। यस यस एग्जैक्टली। तो ये हिंदी माध्यम के साथ अब न्याय कहो अन्याय कहो, लेकिन इंग्लिश में जो मटेरियल्स उपलब्ध है वो हिंदी में नहीं है। तो मैं आप लोगों को अपनी तरफ से क्या बोलूँ, मेरी शुभेच्छा, मेरी मेरा क्या कहते हैं उसको, माई बेनेडिक्शंस, मेरे मेरा आशीर्वाद, मेरा प्यार आप लोगों के लिए। शरद जी का भी बड़ा बेवाक इन्होंने मेरे साथ बात किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। पूरा बैच सर ऐसे बेबाक चलेगा, हम लोग कुछ चलेगा। लेकिन यहाँ बहुत सारे ऐसे टीचर भी मैंने देखे हैं जो कि हिंदी माध्यम के छात्रों से डरते हैं कि ये लोग हम उनके अनुसार पढ़ाने का कोशिश करते हैं, नहीं, नहीं। उनके अनुसार चीजों को बताने का कोशिश करते हैं, फिर तो वैसे ही चलेगा जैसे सर अभी चलेगा। क्योंकि मेरा भी जीएस में हिंदी माध्यम में कुछ बैचेस का अनुभव रहा है, तो मैंने देखा है कि बच्चे वहां पर अगर आप अपने लेवल पे लेके जाओगे तो वो रिएक्ट करते हैं, या थोड़ा भी तेज लिखवाओ तो नाराज हो जाते हैं, कंप्लेन करते हैं। तो यूपीएससी तो पूरा गेम ही है टाइम मैनेजमेंट का, वेलोसिटी का, एनर्जी का। सर एक आखिरी बात करता हूँ, जैसे कोच की बात होती है ना, वी आर कोच। अब आप सोचिए कि जो दुनिया में फास्टेस्ट रनर है उसका जो भी कोच होगा वो तो 100 मीटर में हो सकता है ओलंपिक ना जीता हो गोल्ड, हो सकता है दौड़ा भी ना हो कभी। बिल्कुल। लेकिन अगर वो वैसे करता कि भाई पहले दिन वो 100 मीटर कितने सेकंड में दौड़ा, अगर वो उसको कहता बहुत अच्छे ऐसे ही दौड़ो, तो कभी वो जीत पाता। उसने कितना उसको स्ट्रिक्टली उसको प्रशिक्षित किया होगा, रोज उसको इतना टफ रिजीम में डाला होगा, तो वो धीरे धीरे करके वो विनर बना। तो आपको भी ऐसे करना होगा। आचरेकर कभी तेंदुलकर नहीं हो सकते। एग्जैक्टली, बिल्कुल। हम लोग तो आचरेकर हैं, कोच हैं, अपना जो भी है आपको देंगे, लेकिन वो मेहनत, वो ईमानदारी से मेहनत, वो सब आपको करना है। और सोर्स मटेरियल को बदलिए, और जो शिक्षक हैं जुड़े हुए हमसे, हम सबके साथ बहुत डिस्कशन और बहुत एनर्जी के साथ उन पे काम कर रहे हैं, उनके मटेरियल को भी रिवाइज करवा रहे हैं, कुछ डायग्राम्स के साथ प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। करंट अफेयर का जितना भी मटेरियल आएगा वो बिल्कुल क्रिस्प और छोटा रहेगा, करंट अफेयर में एनालिसिस रहेगा। हम लोग सिर्फ इवेंट को नोट डाउन करने वाली परंपरा को ही ब्रेक विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण होना चाहिए, ना कि इवेंट, फैक्ट्स नहीं दिखाने हैं। जैसे किसी योजना में कितना आवंटन हुआ धन का और कितने डिस्ट्रिक्ट में लगाए गए पैसे, ये तो नहीं पड़ता, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। बिल्कुल। उस योजना से प्रश्न पत्र देखिए उस योजना से क्या प्रभाव पड़ा, ये प्रभाव है ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो एप्लीकेशन पार्ट पढ़ना है आपको। आप सेल बायोलॉजी का कितना भी पढ़ते रहिए कि सेल में प्रोटोप्लाज्म होता है, लेकिन उससे कोई यूपीएससी पूछने वाली नहीं है। आपको स्टेम सेल का जो जो थ्योरी है, नैरो टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन क्या है, यही पढ़ना होगा। तो खैर, इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग आज बच्चों को आशीर्वाद देते हुए, थैंक यू सो मच आलोक सर, और मिलते हैं जल्दी हम लोग। थैंक यू सो मच। थैंक यू।